सम्मान प्राप्त कर उसका वर्णन किया है, लोगों को बढ़ाया है आगे और जन प्रतिनिधि के और नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते कुछ खबरों की ओर। सभी साथियों को एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये खास वीडियो है भारत गौरव सम्मान से रिलेटेड। भारत गौरव सम्मान का आयोजन आपके अपने समाचार पत्र दिव्यांग जगत के द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम कब होगा, कौन सी जगह होगा, क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। इस कार्यक्रम के लिए हमने आवेदन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। जिन साथियों का चयन हुआ है उनको दिव्यांग जगत के द्वारा सूचित किया गया है, लगातार सूचित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दिनांक 6 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन रहेगा। कार्यक्रम जयपुर में होगा और जयपुर में कहाँ होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। भैरव सिंह शेखावत सभागार भवन, भैरव सिंह शेखावत सभागार भवन, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये स्थल है एमआई रोड जयपुर पे। जब आप सर्च करेंगे गूगल पे या डायरेक्टली आप किसी से पूछते भी हैं तो आपको इजीली ये आराम से मिल जाएगा, जहां हम अपने दिव्यांग जगत के माध्यम से दो कार्यक्रम अब तक करवा चुके हैं। ये हमारा 7वां कार्यक्रम है और देश भर की लगभग 700 से अधिक प्रतिभाओं को अब तक सम्मानित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में देरी हुई है उसके लिए मैं सभी अवार्डियों से क्षमा चाहता हूं। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी, इस कारण इस कार्यक्रम को हम तय समय पर नहीं कंडक्ट कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न थे कि पता नहीं कार्यक्रम आयोजित होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस हमने किया है, जो प्रक्रिया हमने की है, कार्यक्रम तो होना तय था, बस ये तय नहीं था कि कब होगा, क्या डेट होगी, लेकिन अब उसकी डेट का भी हमने अनाउंस कर दिया है और कार्यक्रम के लिए हम लगातार आप लोगों को सूचित भी कर रहे हैं। आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे कि हम लोग कैसे आएंगे। देखो, जो भी व्यवस्थाएं आपको करनी है वो आपके अपने स्तर पे करनी है। कार्यक्रम का जो समय रहेगा वो 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम के दिन लंच की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी आप लोगों के लिए, लेकिन आपको फिक्स 11 बजे ही सभागार में उपस्थित होना है। उससे पहले अगर आप आते हैं तो थोड़ा व्यवस्थाओं का अभाव रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम को सेटअप करने में टीम को भी समय लगता है। तो आपको जो समय दिया गया है उसी समय पर आप पधारें, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के लिए और अगर आप अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इस नंबर पर आप संपर्क करें। आपका कॉल, व्हाट्सएप, जो भी आप जिस माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, आपको पूरी जानकारी कार्यक्रम से जुड़ी हुई इस नंबर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। जो साथी जिनका चयन हुआ है और किसी कारणवश अगर वो कार्यक्रम में नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ पाते हैं या कुछ परिस्थितियां हो सकती है, तो वो हमें पहले सूचित कर दें ताकि हम उनका जो भी हमारी तरफ से उस दिन अवार्डीज को दिया जाता है उनकी सम्मान के अंदर, उनके जो सम्मान के अंदर हम जो देते हैं, ताकि हम वो चीज बनाए नहीं, क्योंकि बनवाने के बाद फिर आप लोग लेने नहीं आते हैं तो वो फिर हमारे पास रहती है, उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो हम उन्हीं को मौका देंगे जो इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति देते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपकी जगह किसी और अन्य साथी का चयन हम करेंगे। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, लगातार आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा।
कार्यक्रम की डेट फिक्स है, इसमें किसी भी प्रकार का आंशिक फेरबदल नहीं होगा 100% जहां तक है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार के कोई चेंजेस होंगे तो आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आपको जो एक मैसेज मिला था उसमें दो नंबर थे, मुकेश पोटर और उत्तम जैन के नाम से, वो दोनों नंबर आप अपने फ़ोन में सेव कर लें। भविष्य में हर प्रकार की जानकारी जो आपको मिलेगी वो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से मिलेगी। और हमने आपसे जो डिटेल मांगी है, एक तो आपका पासपोर्ट साइज, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको भेजना होगा जिसे हम सर्टिफिकेट पर दे सकें। एक आपको आपके बारे में जिसे उस दिन एंकर पढ़ सके, जैसे मैं उत्तम चंद जैन संपादक दिव्यांग जगत के रूप में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ, दिव्यांगता के क्षेत्र में 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मुझे इन इन मंचों से सम्मान मिला है। आपको अगर ज़्यादा अवार्ड मिले हैं तो आप सबका उल्लेख नहीं करें, संक्षिप्त में लिखें, 100 शब्दों का मैटर पर्याप्त है, ज़्यादा लंबी बात आप नहीं लिखें, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। और आपका जिला और आपका स्टेट, जैसे आप जयपुर से हैं तो जयपुर राजस्थान, तो सबसे पहले आप आपका नाम लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, जैसे मेरा नाम उत्तम चंद जैन तो UTTAMCHANDJIN, उसके बाद आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो जिला और राज्य आपको लिखना है जयपुर राजस्थान। किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिल रहा है वो तो आपको पता ही है। और अपने बारे में 100 शब्दों में आपको विवरण लिखना है जिसे उस दिन एंकर पढ़ सके। और एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा आपका छायाचित्र, एक फोटो रिसेंट, वो आप हमें इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें ताकि हम समय से आपके सर्टिफिकेट तैयार कर सकें। कार्यक्रम में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी बड़े व्यक्ति से ही ये सम्मान आपको दिलवाया जाए। अब तक हमारे जो 7 कार्यक्रम अब तक आयोजित हुए हैं, IAS, RS, मिनिस्टर, सांसद, इन्हीं लोगों को हम बुलाते आए हैं और अभी भी हमारा प्रयास यही है कि हम इनमें से ही किसी एक बड़ी हस्ती को कार्यक्रम में बुलाएं। आपका सम्मान हमारा सम्मान और दिव्यांग जगत बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। आप जैसी प्रतिभाओं को इस मंच से सम्मानित करके हमें भी खुशी होगी और जब हम आपसे मिलेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।